हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कॉस से कॉस इनवर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है इसकी बात करने वाले हैं। पीछे की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन एकैकी अच्छादक नहीं होता है, इसका मतलब उनके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले कॉस जो फंक्शन होगा कॉस एक्स, उसको क्या करेंगे, एकैकी अच्छादक में ट्रांसफॉर्म करेंगे उनके डोमेन और रेंज में चेंज करके, और फिर उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि एकैकी अच्छादक हो जाएगा तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, तो फिर हम लोग उसको पलट कर उसका इनवर्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में, जो कि आज का हमारा फंक्शन है कॉस एक्स। हम लोग जानते हैं कि ये एकैकी अच्छादक फलन नहीं होता है। अगर हम लोग एफ एक्स की बात करें तो अगर फलन एफ को हम आर पर आर, आर टू आर देखें, रियल टू रियल के लिए बात करें, रियल टू रियल पे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये फंक्शन इस तरह से है। तो देखो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एफ पाई बाई थ्री का, यानी कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना होता है जी, कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग यहां पर 5π/3 के वैल्यू की बात करें, कॉस 5π/3 के वैल्यू की बात करें, तो यहां लिख सकते हैं इसे कॉस 2π-π/3, यानी कि ये हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री, यानी आ जाएगा 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस फलन का पाई बाई थ्री पर, 5π/3 पर वैल्यू इक्वल हो रहे हैं, लेकिन ये पाई बाई थ्री 5π/3 के इक्वल नहीं है, है? अब ये पाई बाई थ्री 5π/3 इसके डोमेन के एलिमेंट, लेकिन उन डोमेन के एलिमेंट्स पे इस फलन के मान, दो एलिमेंट पे फलन के मान बराबर है, लेकिन वो एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये फलन 1/1 होगा? F11 नहीं है, F11 नहीं है, 1/1 नहीं है। अच्छा हम ये जानते हैं कि फलन एफ एक्स जो कॉस एक्स देख रहे हैं, इसका डोमेन जो होता है, प्रांत जो होता है, वहां कोई भी रियल नंबर हो जाता है, और परिसर जो होता है वह -1 to 1 तक ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका कोडोमेन देखो, यहां आर है, इस आर में इन सभी अवयवों को छोड़ दें, -1 से 1 तक के अवयवों को छोड़ दें, बाकी कोई भी रियल नंबर देखेंगे तो उसका पूर्व प्रतिबिंब इस फलन में नहीं मिलेगा, यानी कि फलन अनटू भी नहीं हो पाएगा। तो जब यह फलन 1/1 अनटू नहीं होगा तो हम लोग इसका प्रतिलोम कैसे निकाल सकते हैं? तब तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा, व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसके एकैकी अच्छादक ये नहीं होगा, 1/1 अनटू नहीं होगा, तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। तो पहले हमें इसे एकैकी अच्छादक बनाना होगा। ये चीजें तो हम लोग समझ गए। ऐसे में बहुत सारे ऐसे वैल्यू मिलेंगे इसके प्रांत में जिनके भिन्न भिन्नों के लिए एक ही प्रतिबिंब मिल जाएगा, भिन्न भिन्नों के लिए एक ही प्रतिबिंब मिल जाएगा, इसका मतलब फलन 1/1 अनटू नहीं होता है, है ना जी, है ना। 1/1 नहीं होगा और अनटू भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके सहप्रांत में इसको छोड़कर बाकी इनफाइनाइट अवयव है जिनका पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में नहीं मिलेगा, इसलिए अनटू भी नहीं है। चलिए इसको ग्राफिकली थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फंक्शन कॉस एक्स का ग्राफ देखिए किस तरह से बनेगा। हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए, इधर मैं ले लेता हूं यहां पर 2π। चलिए पहले यहां पाई, इधर 2π ले लेता हूं, थोड़ा लंबा ग्राफ बनाता हूं, इधर -π, इधर -2π, यहाँ पे क्या होगा π/2, 3π/2, यहाँ -π/2, यहाँ पर -3π/2, इसी तरह से वैल्यूज होंगे। अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे, दूसरा मार्कर, इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो यहां पर देखिए, जानते हैं cos 0 का 1 होता है, आप जानते हैं इसका रेंज क्या है, -1 से 1 होता है ना जी, कॉस 0 का 1 होता है। यहां से ग्राफ ऐसे आएगा, पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, फिर ऐसे जाएगा नीचे, फिर पाई पे -1 होता है, फिर ऐसे जाएगा 3π/2 पे 0 हो जाता है, फिर आगे जाएगा 2π पे 1 हो जाएगा, इसी तरह से ना, उस तरह सीधा के -π/2 पे 0 हो जाता है, फिर इस तरह से आएगा -1 हो जाएगा -π पे, यहाँ -3π/2 पे 0, फिर इसी तरह से आगे जाएगा, ये ऐसे बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहां पर 2π पर, यहां देखिए 2π पर इसका इमेज देखिए 1 हो रहा है, यहां पर 0 पर भी 1 हो रहा है,
माइनस टू पाई पर भी वन हो रहा है, देख लो माइनस टू पाई पर भी वन हो रहा है। तो ऐसे भिन्न भिन्नों के एक ही प्रतिबिंब हो जा रहे। या आप यहां देखो इस एलिमेंट के लिए प्रतिबिंब यहां होगा, जो भी हो अब जीरो से पाई के बीच में कोई ऐसा वैल्यू होगा। दो को भिन्न भिन्नों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये ऐसे भी ग्राफिकली भी दिख रहा है कि वन वन नहीं है। अंटू क्यों नहीं है, माइनस वन से वन के बीच का छोड़कर इधर का वैल्यू लो, इसके ऊपर का इसके नीचे का, किसी भी अवयव का इसमें पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फलन वन वन अंटू नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें चेंज लाएंगे, और ताकि इसको फलन को हम लोग वन वन अंटू बना सके। तो वन वन अंटू बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ इंटरवल क्रिएट करेंगे जिन इंटरवल्स पे ये फलन एकाएकी अच्छादक दिखेगा। आप यहां जीरो टू पाई देखो, जीरो टू पाई तक में जाओगे तो भिन्न भिन्न अवयवों के एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों के यहाँ पे अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है। इसका प्रतिबिंब इधर हो जा रहा है, इसका प्रतिबिंब इधर हो जा रहा है, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिख रहा है, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिख रहा है। तो जीरो टू पाई में जा रहे हैं तो भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, और इन सभी इसके रेंज के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है। माइनस वन टू वन में कोई भी अवयव लो जीरो से पाई के बीच में, है ना, यहाँ पे जीरो से पाई के बीच में किसी भी अवयव के लिए, यहाँ पे अगर इसके सह प्रांत में देखे यानी परिसर में देखे माइनस वन टू वन में, तो इनके भिन्न भिन्न अवयव के इसमें भिन्न भिन्न अवयव के इसके भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, और इनके परिसर के हर एक एलिमेंट के लिए इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद है, पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। तो हम लोग एक अंतराल क्रिएट कर ले जीरो से पाई, या अगर आप ये पाई से टू पाई लें तो इसके भी बीच भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, और हर एक इसके रेंज के एलिमेंट के लिए माइनस वन टू वन के लिए हर एक एलिमेंट के लिए इसके पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें ऐसे बहुत सारे अंतराल मिल जाएंगे, फिर आगे मिल जाएगा थ्री टू पाई से थ्री पाई, इस तरह से हमें बहुत सारे ऐसे अंतराल मिल जाएंगे। इधर आपका माइनस पाई से जीरो, है ना, फिर इधर माइनस टू पाई से माइनस पाई, ऐसे बहुत सारे अंतराल मिल जाएंगे जिसके लिए फलन वन 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 टू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके वाई एक्स के संलग्न वाला कोई इंटरवल ले लेंगे, तो ये हम लोग लेंगे ये, तो यहाँ पे लेंगे एफ जिसका डोमेन ले लेते हैं जीरो टू पाई, ऑरेंज क्या होगा जीरो टू पाई में रखने पे वैल्यू माइनस वन टू वन ही आएंगे, देख लो जीरो से पाई में रखने पे माइनस वन से लेके वन तक ही वैल्यू जा रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना जी। तो यहाँ माइनस वन टू वन रेंज यही रहेगा, और को डोमेन भी है, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज और को डोमेन सेम रहता है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एकाएकी अच्छादक फलन होगा, ये अगर डोमेन ये ले और रेंज ये ले तो ये फलन एकाएकी अच्छादक हो गया, और जब एकाएकी अच्छादक हो गया तो इसलिए कह सकते हैं ये फलन, इसलिए एफ का एफ के प्रतिलोम का अस्तित्व अस्तित्व है, या एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, यह आपका व्युत्क्रमणीय फलन हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। और जब यह व्युत्क्रमणीय फलन हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, इसका डोमेन हो जाएगा माइनस वन टू वन, और यहां पर रेंज हो जाएगा जीरो टू पाई, परिवर्तित हो जाएगा। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से, इस तरह से। तो अब इसका थोड़ा ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ में क्या होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिए किस तरह से हम लोग अंतराल ले लेंगे जीरो टू पाई के बीच में ही हमें देखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, x x डैश y y डैश, इधर माइनस वन दे देना है, इधर वन दे देना है, यहाँ देखिए जीरो था, यहाँ पे यहाँ पाई तक ही ना ले जाना है, इधर पाई बाई टू था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, यही ना होगा जी, ठीक है, इसी तरह से होगा। आप देखिए इसको ऐसे लेकर ऐसे पलट देना है, ये आपका आ जाएगा x x डैश, ये cos x के लिए हुआ ग्राफ,
अरे कॉस इनवर्स के लिए जो अंतराल हम लोग लिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पे आ जाएगा वन, इधर आ जाएगा माइनस वन, यहां हो जाएगा पाई, यहां हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है ना जी। इसी ग्राफ को ऐसे लिए हैं, ऐसे पटक देंगे, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसी को ऐसे लेके ऐसे घुमा दिया, ऐसे लेके ऐसे पटक दिया। तो ये आपका इस फंक्शन के लिए हो गया, और ये वाला ग्राफ इसके लिए हो गया जो एक एकीय छत दे रहा है। तो हमने क्या लिया, एक ऐसा अंतराल लिया जिसके बीच में यह फलन एक एकीय छतक हो रहा है, और उसी को पलट देंगे तो उसका हमें क्या होगा, प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा। ध्यान रखना इस अंतराल को जो जीरो टू पाई ले रहा है, इसका मुख्य शाखा मान यानी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहा जाता है। फलनों के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू यानी कि मुख्य शाखा मान या प्रधान शाखा मान कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पे हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को बाय करिए और अपने क्लासेस को और बेहतर किए। ध्यान रखेंगे हमारे चैनल्स पे, हमारे जितने भी चैनल्स हैं सभी पे आपको किसी न किसी मतलब हर तरह के पब्लिकेशन के बुक मैंने पढ़ा दी, NCERT, RD, शर्मा, KC सिन्हा, भारती वन, मतलब बहुत सारा पब्लिकेशन पढ़ा है। तो और अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।